गाइज हम बैंड में जा रहे थे तो आपस में बातें लगा रहे थे, तो उसमें म्यूजिक था तो मैंने वहाँ की आवाज़ बंद करके अपनी ओवर वॉइस कर रही हूँ। तो बस में सीट नहीं मिल रही थी और मैं ऐसी खड़ी हुई थी, मम्मी के लिए भी बड़ी मुश्किल से सीट मिली थी और हम जा रहे थे हॉस्पिटल। और हम पहुँच गए फिर सराहा। हम पिछाड़ में आए हुए सिरमौर और यहाँ पे एक तालाब है, अभी कितना साफ नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ पे मेला होता है 15-16 सितंबर को, तो बहुत अच्छा सजा के रखते हैं इसको, बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ पे। और ये यहाँ की मार्केट है, मेरी मम्मा साथ में जा रही है। कितने अच्छे अच्छे सूट रहे थे, गर्म सूट पता कौन सा होता है आपको, कौन सा मिले इधर। ये वाला भी अच्छा मम्मी, ये वाला भी अच्छा, ये वाला पर मम्मी के साथ मिल जाएगा। वैसे कितनी कॉस्ट है इसकी, ये बीच वाला जो 2000 का ना, वो 600 ना, इसमें ऐसे से मिलेगा ना। और यहाँ पे ये शॉप है कपड़ों की, तो हम पहले जब छोटे छोटे होते थे तो यहाँ से बहुत घूमते थे, मेरे पापा जॉब करते थे यहाँ पे। और ये हमारा सराहा मार्केट है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा दुकान नहीं खुली हुई। अच्छा ये बहुत लंबा बाजार है आगे को। मम्मी यहाँ कोई ऐसे जैसे ना सोलन है ना, भी जैसे लोअर बाजार, लकड़ी बाजार ऐसे नहीं है यहाँ पे, एक ही मार्केट है पर से लेकर तक। यहाँ भी होने चूल्हे चूल्हे अंकल, ये चूल्हा कितने का है? अच्छा ठीक है, एक ना जो चूल्हे में अंदर बनाते हैं ना, जिसमें मिट्टी लगाते पानी टैंकी, वो भी बनाते हैं आप लोग इस साइड है? अच्छा ठीक है। मार्केट है, सब कुछ मिलता है यहाँ, गाँव से लोग आते हैं अपने घर के लिए सामान ले जाते हैं। और यहाँ पे गाइस मेरे मम्मा बोल रहे कि यहाँ पे ले ले, क्या लूँ मैं, रूम लूँ है,
यहाँ क्या लेना रूम? सोलन सोलन बुरा है इधर किराया सस्ता होगा, रूम रेंट यहाँ सस्ता होगा। थोड़ा भी पता नहीं है, हमने कभी पूछा भी नहीं। बहुत साल पहले रहते थे हम यहाँ पे, जब 30-35 साल पहले। हमारा सारा बचपन यहीं गुजारा हुआ। मेला बहुत अच्छा होता है यहाँ का, है ना? इस साइड को ना अच्छी रंग दिखाते, अंधेरा अंधेरा जैसे दिख रहा है फेस पे। गाइज, मैं बस में बैठी थी इंजन के पास को जो सीट होती है वहाँ पे, और फुल बस थी, सीटें नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा आपके साथ में रोड की वीडियो शेयर कर दूं, और मेरे साथ ये वीडियो हमेशा मेरे चैनल पे या एक यादगार बनकर रहेगी मेरे साथ। और गाइज, यहाँ का रोड मुझे अच्छा लगा, मतलब व्यू भी चारों तरफ का अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैसा कैसा सा आपके साथ में शेयर करूंगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके करें और लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए, मैंने रिस्क लिया है क्योंकि मैं सीट पर से, मतलब जब बस इधर उधर होती थी तो मैं गिर भी रही थी। और यहाँ साथ में सड़क के साथ में यहाँ पे इतनी प्यारी जगह बनी हुई, मैंने सुना है कि यहाँ पे छोटा हेलीकॉप्टर भी उतरता है अगर कोई मिनिस्टर वगैरह कोई आता है तो। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और बहुत चारों तरफ को हरियाली हरियाली, पर अब तो कम है क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रही थी, उसकी वजह से बिल्कुल सूख चुका है। पर सड़क बहुत अच्छी है और व्यूज बड़ा अच्छा आ रहा था, तो इसीलिए मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाई है। और थैंक यू सो मच, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये सड़क सराहा से नैना टिक्कर की बीच की मैंने जो वीडियो ली है वहाँ के क्लिप है, और ये सिरमौर में आती है सड़क। और व्यू आपको कैसा लग रहा है? चीड़ के पेड़ चारों तरफ, और बीच बीच में काफल के पेड़, और दूसरे वो ब्रास के बान के पेड़, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब चढ़ाई नहीं थी सड़क में, ये सीधा सीधी सड़क थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने आपके साथ आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और सपोर्ट करना, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक करें, ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।